हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकित अग्रवाल और स्वागत करता हूं आप सभी का स्टडी आईक्यू पर। तो दोस्तों, आपने जैसा कि न्यूज़ में सुना होगा, नेशनल कंपनी लॉ एपीलिएट ट्रिब्यूनल ने एक फैसला सुनाया है जहां पर साइरस मिस्त्री को वापस से टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया जाएगा। बेसिकली यहां पर नेशनल कंपनी लॉ एपीलिएट ट्रिब्यूनल ने 4 वीक का समय दिया है टाटा ग्रुप को कि वापस से वो साइरस मिस्त्री को इसका चेयरमैन बनाया जाए। तो यहां पर अब हम पूरे वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे कि इसका जो परिणाम है वो पूरे टाटा ग्रुप का कैसा हो सकता है, साथ में जो रतन टाटा की पूरी छवि है उसको कितनी आहत पहुँच सकती है, और इसका जो पूरा फैसला आया है बाकी की जो कंपनीज हैं उनके बोर्ड हैं कि क्या वो किसी पर्सन को हटा सकते हैं इसी किसी भी तरह से। तो यहां पर इस पूरे वीडियो में काफी विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज मी अंकित अग्रवाल, और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको मेरे फेसबुक पेज पर मिल जाएंगी। तो सबसे पहले दोस्तों, यहां पर हम कॉन्टेक्स्ट जानते हैं। जैसा कि आप यहां न्यूज में देख सकते हैं, एनक्लैट रीइंस्टेट्स साइरस मिस्त्री एज एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ टाटा ग्रुप, रूल्स एन चंद्रशेखर अपॉइंटमेंट एज इलीगल। आपको पता है कि यहाँ पर साइरस मिस्त्री के बाद जो चेयरमैन बनाया गया, जिसको उनका नाम था एन चंद्रशेखरन, जो कि सीईओ भी रह चुके थे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के, तो यहाँ पर उनका जो अपॉइंटमेंट था उसको यहाँ पर एनक्लैट ने इलीगल करार दे दिया है और वापस से साइरस मिस्त्री को चेयरमैन बनाने का निर्णय लिया है। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि उनको तुरंत ही अभी चेयरमैन बना दिया जाएगा। बेसिकली यहाँ पर एनक्लैट ट्रिब्यूनल ने 4 वीक का समय दिया है पूरे टाटा समूह को और कहा है कि 4 वीक के पहले अगर आप चाहते हो तो यहाँ पर आप इस पर्टिकुलर डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अनटिल अनलेस सुप्रीम कोर्ट अपीलिएट ट्रिब्यूनल के डिसीजन है उसको अगर स्टे नहीं लगाती तो यहाँ पर वापस से विद इन 4 वीक्स साइरस मिस्त्री टाटा ग्रुप के चेयरमैन बन जाएंगे। अब इस पूरे मामले को समझने से पहले दोस्तों, हमको पहले कुछ बैकग्राउंड जानना होगा। सबसे पहली बात कि ये जो टाटा सन्स की बात होती है और ये जो टाटा ग्रुप है ये क्या है। अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो दोनों चीज है, टाटा सन्स और टाटा ग्रुप, इसको फाउंड किया गया था 1868 में, करीब 150 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, बाय फाउंडर जमशेद जी टाटा। और आपको टाटा ग्रुप का जो हेडक्वार्टर है वो बॉम्बे हाउस में मिलेगा, जैसा कि आप लेफ्ट साइड के डायग्राम में देख सकते हैं। और इसके जो ओनर है, मतलब कहने का मतलब यह है कि जो टाटा का जो पूरा ग्रुप है इसके ओनर होंगे टाटा सन्स, मतलब कि जिनकी भी सबसे ज्यादा होल्डिंग होगी टाटा सन्स में वही ओनर कौन बन जाएंगे, वो बन जाएंगे टाटा ग्रुप के। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो टाटा सन्स है इसको स्टार्ट किया गया था जब जमशेद जी टाटा के द्वारा, आपको पता है उस समय ब्रिटिश का राज था हमारे देश में, तो यहां पर एक एज अ ट्रेडिंग एंटरप्राइज बनाया गया था, मतलब बेसिकली ट्रेड करने के लिए। आप देख सकते हैं उस समय काफ़ी ज़्यादा ओपियम ट्रेड होता था, टी ट्रेड होता था, बेसिकली मंगोलिया के साथ हो गया, चाइना के साथ हो गया, तो इन सब के साथ ये जो पूरा ट्रेड होता था इसमें इन्वॉल्व होती थी पूरी टाटा ग्रुप। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो भी पर्सन शेयर होल्ड करेगा टाटा सन्स में वही सबसे ज़्यादा ओनर कहलाएगा यहाँ पर टाटा ग्रुप में। और जैसा कि आप राइट साइड में यहाँ अगर आप देखेंगे तो जो चेयरमैन है वो टाटा ग्रुप के, वो ज़्यादातर आपको टाटा परिवार से ही मिलेंगे, लेकिन यहां पर 2012 में रतन टाटा ने भरोसा जताया साइरस मिस्त्री पर और यहां पर उनको एज अ चेयरमैन अपॉइंट कर दिया गया था, लेकिन आगे चलकर उनको रिमूव किया गया और एन चंद्रशेखरन को वापस से यहां पर जो है चेयरमैन बना दिया जाता है। लेकिन जो निर्णय आता है अभी रिसेंट का, तो हम कह सकते हैं इस समय ऑब्वियसली वो बने नहीं है, लेकिन क्योंकि यहां पर डिसीजन आ गया है कि उनको चेयरमैन बनाना है, तो इसलिए आप देख सकते हैं कि साइरस मिस्त्री यहां पर वापस से चेयरमैन बनने जा रहे हैं। अब यहां पर हम जान लेते हैं कि साइरस मिस्त्री कौन है। अब आपको पता होना चाहिए दोस्तों, आपने ये ग्रुप सुना होगा, बहुत ही बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, इस पूरे ग्रुप का नाम है शपूरजी पलोंजी ग्रुप, मतलब कि यहां पर शपूरजी जो हैं वो पिताजी हैं पलोंजी मिस्त्री के, मतलब कि ये जो पलोंजी मिस्त्री हैं और शपूरजी, ये दोनों के नाम से ही ये पूरा ग्रुप बनता है जिसको कहते हैं शपूरजी पलोंजी ग्रुप। और यहां पर जो साइरस मिस्त्री हैं वो सन है पलोंजी मिस्त्री के, तो यहां पर जो साइरस मिस्त्री हैं वो काफी ज्यादा ऑलरेडी वर्क कर चुके
चुके थे पहले की काफ़ी सारी कंपनीज में, जिनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस था, जिसकी वजह से रतन टाटा ने उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा भरोसा जताया और 2012 में उनको टॉप पोजीशन बेसिकली चेयरमैन बना दिया जाता है। और अब आपको यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पता होना चाहिए कि जो पूरा टाटा सन्स है उसमें यहाँ पर जो पूरी सपोर्जी पोलोंजी ग्रुप है उनका वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेक होल्डर है पूरे टाटा ग्रुप में। आप देख सकते हैं कि नीचे के डायग्राम में यहाँ पर स्टर्लिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन और साइरस इन्वेस्टमेंट दोनों को अगर आप मिला दें तो करीब 18% से ज़्यादा जो स्टेक है यहाँ पर साइरस मिस्त्री के पास आता है। और बाकी जो है आप देख सकते हैं कि रतन टाटा, दुराबजी टाटा ट्रस्ट हो गया, रतन टाटा ट्रस्ट हो गया, इनके सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट शेयर होल्डिंग है। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि यहाँ पे ये जो स्टर्लिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन है ये इसके शेयर जो है वो 10% से कम है और साइरस इन्वेस्टमेंट के भी अगर आप इन्वेस्टमेंट देखेंगे यहाँ पर स्टेक होल्डिंग वो भी 10% से कम है। अब मैं आपको स्पेसिफिकली ये चीज़ क्यों बता रहा हूँ क्योंकि अब आपको आगे समझ में आएगा कि क्यों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 10% से कम होना। अब मैं आपको आगे चलता हूं कि ये जो पूरा प्रॉब्लम है ये क्या है, रतन टाटा और साइरस मिस्त्री के बीच में दिक्कतें कहां से आती हैं। सबसे पहला, अगर जब अपॉइंट किया गया था साइरस मिस्त्री को एज अ चेयरमैन तो दोनों के बीच में जो रिलेशन था वो बहुत ही अच्छा था, एज अ काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग मानी जा रही थी पूरे कॉरपोरेट जगत में, अंटी अनलेस कुछ चीज़ें सामने नहीं आती हैं। अब आप देखेंगे आगे चलकर यहां पर जब मिस्त्री चेयरमैन बन जाते हैं वो कई सारे बिजनेस प्रैक्टिसेस ऐसे लेकर आते हैं जिसकी वजह से कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज किया जाता है पूरे टाटा ग्रुप के बिजनेसेस में। मतलब कि आपको पता होगा दो तरह के एक्सपेंडिचर किए जाते हैं किसी भी बिजनेस के द्वारा, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जब यहाँ पर कई सारे इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं उस कंपनियों के द्वारा ताकि आगे चलकर काफ़ी सारे अच्छे रिटर्न्स आ सकें, और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया जाता है कहने का मतलब जैसे शेयर होल्डर्स को ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड देना, उनको ज़्यादा प्रॉफिट देना, मतलब कि यहाँ पर कैपिटल पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पर मिस्त्री ने जो है डिसीजन लिया कि टाटा ग्रुप अब ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगा ताकि जो फ्यूचर प्रस्पेक्ट है पूरे टाटा ग्रुप का वो बेहतर हो सके। लेकिन यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो शेयर होल्डर्स हैं बेसिकली आप कह सकते हैं रतन टाटा और जो पूरे टाटा समूह है वो उनको पसंद नहीं आता। साथ में यहाँ पर आगे चलकर साइरस मिस्त्री जो ट्रस्टेड हैंड्स हैं रतन टाटा के, यहाँ पर रतन टाटा ने अपने काफ़ी सारे ट्रस्ट करते थे ऐसे लोगों को वहाँ पर बैठा रखा था कंपनी में, लेकिन यहां पर साइरस मिस्त्री उन सभी लोगों को हटा देते हैं जिसकी वजह से अगेन रतन टाटा इससे खुश नहीं होते हैं। अगेन अगर आप देखेंगे तो यहां पर आगे चलकर एक टाटा स्टील पोर्ट प्लांट है यूके में जिसकी वजह से रतन टाटा को काफी अच्छी गुडविल हासिल हुई थी पूरे फॉरेन देशों में। तो यहां पर क्या होता है कि इसको बेचने का फैसला ले लिया जाता है साइरस मिस्त्री के द्वारा। तो अगेन आप देख सकते हैं कि जो रतन टाटा है वो इन सारी चीजों से खुश नहीं होते हैं, जो पूरी टाटा कंपनी है वो इससे खुश नहीं होती है। और आगे चलकर मैं आपको बता दूं कि एक काफ़ी ज़्यादा दिक्कत कब आती है, जब आपको पता होगा टाटा डोकोमो एक काफ़ी बड़ी कंपनी थी हमारे यहाँ टेलीकॉम की जो कि बंद हो जाती है आगे चलकर। यहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं डोकोमो और टाटा के बीच में, तो उसकी वजह से जो टाटा ग्रुप है उसको करीब $1.2 बिलियन का लॉस होता है। मतलब यहाँ पर उसको जैपनीज कंपनी को ये $1.2 बिलियन देना होता है। तो अगेन ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर जो रतन टाटा है बेसिकली जो टाटा ट्रस्ट है पूरा वो फैसला लेता है कि हमें साइरस मिस्त्री को एज अ चेयरमैन हटा देना चाहिए। और फाइनली अक्टूबर 24, 2016 को यहाँ पर साइरस मिस्त्री को एज अ चेयरमैन हटा दिया जाता है ऑफ टाटा सन्स। एंड अगेन आप देखेंगे तो यहाँ पर एज अ इंटरिम चेयरमैन, मतलब कि 2012 में यहाँ पर रतन टाटा हट जाते हैं एज अ चेयरमैन, लेकिन इंटरिम चेयरमैन अगेन वापस 2016 में एक बार बना दिया जाता है कुछ समय के लिए। और यहाँ पर आगे चलकर विद इन वन मंथ जो साइरस मिस्त्री हैं वो बाकी जो टाटा ग्रुप के फर्म्स हैं उनसे भी रिजाइन कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर December 20, 2016 को आप देखेंगे तो जो पूरी दो कंपनी की मैंने आपसे बात की थी यहाँ पर आपको याद होगा, एक स्टर्लिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन हो गया और जो साइरस इन्वेस्टमेंट है जिनके टोटल 18% है, लेकिन याद रखिएगा इनके 10% से भी कम है। तो यहाँ पे जो दोनों कंपनीज हैं बेसिकली साइरस मिस्त्री की वो चैलेंज करती है इस पूरे डिसीजन को, जिस तरह से उनको हटाया जाता है एज अ चेयरमैन फ्रॉम टाटा ग्रुप टू NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल मुंबई के जो अंदर है वहाँ पर उसको
चैलेंज किया जाता है। अब इसको देखते हुए यहाँ पर आगे चलकर जो एन चंद्रशेखरन है फरवरी 2017 में उनको एज अ परमानेंट चेयरमैन बना दिया जाता है। जो इंटरिम चेयरमैन बने थे रतन टाटा वो हट जाते हैं और जो आपके एन चंद्रशेखरन है उनको चेयरमैन बना दिया जाता है। आगे अगर आप देखिए तो अप्रैल 17 में यहाँ पर NCLT का निर्णय आता है, मतलब कि दिसंबर 20 को यहाँ पर जो डिसीजन लिया गया था साइरस मिस्त्री के द्वारा कि वो अब उस पूरे फैसले को चैलेंज करेंगे NCLT में, तो यहाँ पर NCLT जो है उस पूरे फैसले को रद्द कर देती है और यहाँ पर ये निर्णय लिया जाता है कि कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 आपको पता होगा ये आया था, उसके अंदर ये बोला गया था कि अगर कोई भी शेयर होल्डर यहाँ पर अगर एलिगेशन लगाता है उस कंपनी के खिलाफ तो उसके पास एटलीस्ट 10% स्टेक होना चाहिए। मतलब उस कंपनी का अगर उसके पास 10% स्टेक है तभी यहाँ पर उस सारे चीज़ों पे फाइल कर सकती है केस। लेकिन आपको जैसा कि मैंने क्या बताया था यहाँ पर जो स्टेलिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन है और अलग अलग अगर आप देखेंगे साइरस इन्वेस्टमेंट के पास, इनके पास सेपरेटली लेस देन 10% है। इसका मतलब कि वो इसको फाइल नहीं कर सकते, यहाँ पर NCLT उनके पूरे मुकदमे को रिजेक्ट कर देती है। और साइरस मिनिस्ट्री ने जो एलिगेशन लगाया था यहाँ पर कि उनको चेयरमैन से भी हटाया गया, उसको भी यहां पर हटा दिया जाता है। और इसकी वजह से साइरस मिस्त्री अगेन इस पूरे NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के खिलाफ एक अपील डालते हैं NCLAT में, जबकि एक एपिलिएट ट्रिब्यूनल है यहां पर एक अपील डाला जाता है जिसका जो निर्णय है वो रिजर्व कर दिया जाता है मई 23, 2019 को। और जैसा कि मैंने बताया दिसंबर 18, 2019 में यहाँ पर वापस जो NCLT का फैसला है उसको रद्द कर दिया जाता है और NCLAT यहाँ पर जो साइरस मिस्त्री है उसके पक्ष में फैसला सुनाती है। अब आपको मैं थोड़ा सा एक बार दोनों का जो फैसला है, मतलब कि जो NCLT का जो ऑर्डर आया था पहले वो साइरस मिस्त्री के खिलाफ था और जो NCLAT का ऑर्डर आया था वो साइरस मिस्त्री के पक्ष में है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है दोस्तों वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। पहले जो फैसला आया था वहाँ पर ये बोला गया कि जो बोर्ड है वो कॉम्पिटेंट है किसी भी चेयरमैन को हटाने के लिए। आपको पता है किसी भी कंपनी को चलाने के लिए एक प्रॉपर बोर्ड होते हैं, मतलब कि एक बोर्ड है, अगर उस बोर्ड में कोई भी डिसीजन लेना है वो वोटिंग से होती है। यहां पर जो बोर्ड है उन्होंने इस पर्टिकुलर चेयरमैन को हटाने का निर्णय ले लिया, तो यहां पर NCLT ने कहा कि ये सही है, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन NCLAT का जो बाद में निर्णय आता है वो कहता है कि इस तरह से ये इल्लीगल है, किसी भी तरह से यहां पर आप जो डिसीजन है चेयरमैन को हटाने का नहीं ले सकते, ये गलत तरीके से हुआ है। आगे चलकर यहाँ पर NCLT ने बोला था कि कोई भी ऑपरेशन या मिसमैनेजमेंट नहीं हुआ है, किसी भी तरह की चीज़ें नहीं आई हैं। लेकिन यहाँ पर जो साइरस मिस्त्री ने कहा कि ये मिसमैनेजमेंट की गलतियाँ हैं, कई सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं जिसकी वजह से मुझे निर्णय लेने पड़े थे, तो यहाँ पर साइरस मिस्त्री के जो फैसले हैं उसको अपहेल्ड किया जाता है NCLAT के द्वारा, जो कि साइरस मिस्त्री के पक्ष में जाता है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों यहां पर मैंने क्या बताया था कि 10% का जो पूरा स्टेक है, तो NCLT ने कहा कि 10% यहां पर जरूरी है अगर आपको यहां पे कोई भी आपको फाइल करनी है केस, लेकिन NCLAT ये एक्सेप्शन कर देती है कि यहां पर जरूरी नहीं है आपको 10% चाहिए। उनके पास जो 9% और 9% मतलब कि दोनों मिलाकर जो 18% था उसके फैसले को मानती है कि ये 18% दोनों मिलकर कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर अल्टीमेटली एक काफ़ी बड़ा सेटबैक है पूरा जो रतन टाटा है उनके छवि को लेकर, और इसी की वजह से जब ये फैसला आया तो यहाँ पर जो साइरस मिस्त्री हैं उन्हें इस पूरे डिसीजन को एज अ विंडिकेशन माना कि जो मैं कह रहा था इतने सालों से वो सही है। और उन्होंने ये भी कहा कि टुडेज जजमेंट इज नॉट अ पर्सनल विक्ट्री फॉर मी बट इज अ विक्ट्री फॉर द प्रिंसिपल्स ऑफ गुड गवर्नेंस एंड माइनॉरिटी शेयर होल्डर, मतलब कि जिनके शेयर होल्डर्स बहुत ज़्यादा नहीं है किसी कंपनी में उसके बावजूद भी उनको जजमेंट उनको सही पक्ष मिल सकता है, वो ऐसा इनका कहना था। और एक गुड गवर्नेंस के लिए एक फैसला आया है और साथ में उन्होंने कहा कि जो आज का आउटकम है ऑफ द अपील इज अ विंडिकेशन ऑफ माई स्टैंड, वो इससे काफ़ी सहमत मानते हैं। अब लेकिन यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया था दोस्तों कि NCLAT का जो पूरा ऑर्डर है वो 4 वीक के बाद ही मतलब वर्किंग में आएगा, मतलब कि यहाँ पर अगर वो चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट इस पर स्टे लगा देती है तो अगेन आगे देखना होगा कि क्या इस पर पूरा प्रकरण चलता है। और इसका जो पूरा डिसीजन है दोस्तों ये जो बाकी की कंपनियां हैं हमारे देश में उनके ऊपर भी आ सकता है, मतलब कि आगे चलकर कोई भी कंपनी अगर किसी चेयरमैन को हटाना चाहे वो किसी भी तरह से नहीं हटा सकती है। तो ये काफ़ी बड़ा फैसला मैं कह सकता हूँ ये हमारे देश के बिजनेसेस के लिए आया है। तो आई होप कि ये जो पूरा
वीडियो था एनसीएलएटी को लेकर, जो कि साइरस मिस्त्री के पक्ष में है, ये आपको काफ़ी सारी जानकारियां मिली होंगी। और आपको जैसे पता है, आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पर जाकर क्विजेस खेल सकते हैं, मैं यहाँ स्टोरीज में डालता रहता हूँ, आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सो टिल देन, थैंक यू वेरी मच गाइज, सी यू सून।